मटर पनीर हर घर में बनाई जाती है, हर कोई इसे अलग तरह से बनाता है। मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो झटपट बन जाती है। जब भी आपके घर मेहमान आए तो मटर पनीर की सब्ज़ी ज़रूर बनाएं। इसमें मैं आपके साथ सारे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपके मटर पनीर में बिल्कुल लाल और खूबसूरत रंग आए और देखने में और खाने में दोनों ही लाजवाब लगे। इस मटर पनीर की सब्ज़ी के लिए हमें कोई ख़ास मसाले की ज़रूरत नहीं है, बल्कि घर में ही जो मसाले हैं उससे हम ये रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मटर पनीर। सबसे पहले एक पैन लें, उसमें थोड़ा तेल डाल दें। तेल गर्म हो जाने पे उसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे और उसमें पनीर के पीसेस डाल देंगे। इससे पनीर में बहुत ही अच्छा लाल रंग आ जाता है। थोड़ा सा नमक डाल देंगे और पनीर को मिला लेंगे। हर एक पनीर पे कलर आ जाना चाहिए, मिलाकर उसको एक बोल में निकाल लेंगे। ध्यान रखें पनीर को ज़्यादा ना भुने, नहीं तो पनीर हार्ड हो सकते हैं। पैन में तेल डालेंगे, तेल गर्म हो जाने पर उसमें 2 इंच अदरक का टुकड़े डालेंगे, 5-6 काजू डालेंगे, साथ में 2 बड़े प्याज काट कर डाल देंगे, गाजर डाल देंगे। गाजर से ही इसमें कलर आता है, इसलिए इसमें 1 या 2 पीस गाजर आप बारीक काट कर डाल दें। सबको भुनेंगे थोड़ा, फिर डालेंगे टमाटर। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल रही हूँ मैं। सबको भून के तैयार करेंगे। इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। सबको भून लिया मैंने। भुनने के बाद इसे हम जार में डाल देंगे, ठंडा कर पानी डालकर इसको हम बारीक पेस्ट बना लेंगे। मसालों को भुनने के लिए एक पैन लेंगे, उसमें तेल डालेंगे। तेल गर्म हो जाने के बाद उसमें हम डालेंगे ज़ीरा और तेज़पत्ता। ज़ीरा चटक जाने देंगे। उसके बाद डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, तीखी लाल मिर्च पाउडर और धनिया। इन सबको तेल में भून देंगे, आंच कम रखें। फिर डाल दें इसमें पीसे हुए पेस्ट। मसालों को अच्छे से भूनेंगे, धीरे धीरे पानी सूखेगा, मसाले इकट्ठे होंगे। इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच बेसन, नमक। मसालों को भून रही हूँ मैं, मसाले इकट्ठे हो रहे हैं, मसाले लगभग तैयार हैं। इसमें हम पानी डालेंगे 1 कप। 1 कप पानी डालकर इसको कम आंच पर ढककर पकाएंगे। ढक्कन डालकर बीच बीच में चेक करते हुए इसको मसालों को हम पकाएंगे। इससे मसाले अच्छे से पक जाते हैं और उसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। मसाले तेल छोड़ने लगते हैं, मसालों से अच्छी खुशबू आने लगती है। मसाले लगभग तैयार हैं। इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर, मिला देंगे अच्छे से। अब इसमें डालेंगे तैयार किए हुए पनीर। फ्रोज़न मटर डाल रही हूँ मैं, तो मटर डाल देंगे इसमें। सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। ग्रेवी आप पानी डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, नहीं तो ऐसे भी खा सकते हो। मैं थोड़ा ग्रेवी बनाना चाहती हूँ, पानी डाल रही हूँ मैं। 1.5 कप पानी डाल दिया मैंने। सबको मिलाकर अच्छे से उबाल आने देंगे। उबाल आने के बाद हम इसमें एक चीज़ और डालेंगे अंत में। ग्रेवी थिक हो गया है, गैस बंद कर दिया मैंने। अब डाल रही हूँ इसमें चाट मसाला, चटपटा टेस्ट लाता चाट मसाला। 1 चुटकी चाट मसाला डाल देंगे और मिला देंगे। तो हमारे मटर पनीर की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। रंग देखिए कितना खूबसूरत लाल रंग आया है, गाजर की वजह से, कश्मीरी लाल मिर्च की वजह से। ग्रेवी देखिए कितनी थिक और अच्छी बनी है। तो आप भी बनाइए, अपने मेहमानों को खिलाइए, अपने परिवार को खिलाइए। रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।